मार्केट के अंदर आने वाला एक धमाकेदार आईपीओ। इस आईपीओ के अंदर आपको बम्पर लिस्टिंग मिल सकती है। 3 अगस्त को ये आईपीओ खुलने वाला है, 7 अगस्त को बंद हो जाएगा। आईपीओ का जो साइज़ है वो 1025 करोड़ रुपए की साइज़ है। कंपनी का नाम है SBFC फाइनेंस का। और यहाँ पे आपको आज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 70% की लिस्टिंग इस स्टॉक के अंदर मिल सकती है। तो हुई ना दोस्तों धमाकेदार लिस्टिंग इस स्टॉक की, और बम्पर यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। तो हमने हमारे चैनल पे अभी तक जितने भी आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करने के लिए कहा था, सभी ने ज़बरदस्त लिस्टिंग दी है यहाँ पे। तो अब आप ये कहेंगे कि हम हर आईपीओ में अप्लाई करते हैं आपके कहने पे, तो हमें अलॉटमेंट तो मिलता नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, कभी ना कभी आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। और ये तो है कि बहुत बड़ी रकम आपको यहाँ पे निवेश करनी है। रिटेल निवेशकों के लिए सिर्फ 1 लॉट निवेश करना है, 15,000 रुपये का एक लॉट बनता है, तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। और मुश्किल से 7 से 8 दिन जो 15,000 रुपये वो आपके होल्ड रहते हैं, अलॉटमेंट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपके अकाउंट के अंदर वो पैसे वापस रिलीज हो जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करनी है। तो चलिए आईपीओ की पूरी डिटेल जानते हैं, कितना क्या है इस आईपीओ के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चार्टेड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो जो आईपीओ ओपन होगा वो 3 अगस्त 2023 को ओपन होगा और क्लोज होगा वो 7 अगस्त 2023 को हो जाएगा। इसका जो अलॉटमेंट है वो आपको 10 अगस्त के दिन मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो रिफंड है वो 11 अगस्त के दिन आपके पैसे वापस आ जाएंगे, और जो आपके डीमैट है उसके अंदर 14 अगस्त के दिन ये शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो यहाँ पे 16 अगस्त 2023 के दिन है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी फेस वैल्यू की, तो हमारा 10 रुपये प्रति शेयर इसकी फेस वैल्यू है। अब बात करते हैं मेन चीज़, ध्यान रखने वाली चीज़ है प्राइस की, वो है 54 रुपये से लेके 57 रुपये के बीच में। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो जो मैक्सिमम है 57, इसके ऊपर बिट लगानी पड़ेगी। 57 से नीचे बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अगर मैं लॉट साइज की बात करूंगा तो 260 शेयर का एक लॉट है इस स्टॉक के अंदर। तो मिनिमम 1 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा और 1 लॉट के अंदर यहाँ पे 260 शेयर है। अब देखें बात करते हैं कि कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। तो अभी हमने शुरू में कहा था कि 260 शेयर का एक लॉट है, तो रिटेल मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो 260 शेयर के लिए 1 लॉट के लिए 14,820 रुपये की आपको आवश्यकता है। मैक्सिमम यहाँ पे 13 लॉट रिटेल अप्लाई कर सकता है। 13 लॉट के अंदर जो पैसे टोटल शेयर बनेंगे वो 3,380 बनेंगे, और यहाँ पे जो पैसों की आवश्यकता होगी वो 1,92,660 रुपये की आवश्यकता होगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सिर्फ एक डीमैट अकाउंट से सिर्फ 1 लॉट के लिए अप्लाई करिए। यहाँ पे 13 लॉट अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके 1,92,660 रुपये है ना, ये 6 से 7 दिन के लिए यहाँ पे लॉक हो जाएंगे। अभी मार्केट में 2-3 और बढ़िया आईपीओ आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप इन पैसों को बचाइए और वहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। तो आप करके आ सकते हो, आपकी फैमिली में देख लीजिए, और किसी के नाम पे भी अगर डीमैट अकाउंट है तो सभी के नाम पे 1-1 लॉट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिटेल के लिए, तो 35% का हिस्सा यहाँ पे रिटेल के लिए बुक किया गया है। अगर हम इसके कुछ प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2020 के अंदर 35 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 21 की तिमाही के अंदर 85 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 22 के अंदर प्रॉफिट में गिरावट आई सिर्फ 64.5 करोड़ का, और मार्च 23 के अंदर ये 149 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। मैंने आपको कहा था वीडियो के शुरू में लगभग 70% की लिस्टिंग इस स्टॉक की हो सकती है। तो हमने देखिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आपको बताया था कि 70% की लिस्टिंग हो सकती है, तो आपने देखा ठीक 70% की लिस्टिंग हुई है ना। उसके बाद हमने नेटवेब का बताया, वहां पे 80% का लिस्टिंग गेन आपको मिला है। तो इस स्टॉक की लगभग 95 से लेके 97 रुपये के आसपास की लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस है 57 का, तो आपको बिट लगानी है। 40 रुपये का इसका GMP चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो इसके हिसाब से 95 से लेके 97 रुपये के आसपास की आज के हिसाब से, हो सकता है जो ग्रे मार्केट प्रीमियम घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो आज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लगभग 70% का लिस्टिंग गेन आपको मिल जाएगा, तो इस आईपीओ के अंदर आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आईपीओ के बारे में जो जानकारी वाला वीडियो बनाया आपको पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं।